ओ भाई, कौन हो तुम और ये झंडा लेकर यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ दोस्त, तुम ये सोच ही रहे होगे कि मैं ये झंडा लेकर यहाँ पे क्यों आया हूँ। दोस्तों, आप लोग ये सोच ही रहे होगे कि ये झंडा मेरे हाथ में क्यों है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही होगा कि हम पाकिस्तानियों के हाथ में ये झंडा सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त पर ही नज़र आता है। कितने अफसोस की बात है ना। जिस झंडे के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, यही झंडा जो हमें एक जहती का दर्द देता है, हम उसकी क्या इज्जत कर रहे हैं। हम बड़े ज़ौको शौक से ये झंडा इमारतों पर लगाते हैं, इमारतों को सजाते हैं, मगर जब वो झंडा बेरंग हो जाता है, फट जाता है, पुकार पुकार कर कहता है मुझे बदलो, मुझे बदलो, और फिर आवाज़ आती है रुक जाओ 14 अगस्त को, रुक जाओ 14 अगस्त को। किसी को उसकी पुकार सुनाई नहीं देती, किसी को उसका दर्द नज़र नहीं आता। दोस्तों, याद रखना, जो कौमें अपने परचम की इज्जत नहीं करती, वो जल्द ही कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, आएँ और ये मिलकर अहद करें कि हम इस अजीम परचम की इज्जत दिलो जान से करेंगे, ताकि हम एक मजबूत कौम बन पाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।